कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या कारण है कि सारे चोरों का सरनेम मोदी है और जितने मोदी हैं सारे मोदी चोर हैं। और इस उनके इस बयान से देश के अंदर मोदी टाइटल रखने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। बिहार के अंदर भी लाखों लोग हैं जो मोदी टाइटल रखते हैं, मेरा भी टाइटल मोदी है, और उसे मैंने तय किया कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। मेरे वकील उसकी तैयारी करें और अगले एक दो दिनों के अंदर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो एक और तो कहते हैं कि सारे चौकीदार चोर हैं, तो बिहार में तो पासवान समाज के लोग चौकीदारी करते हैं, यानी सारे पासवान चोर हैं। फिर कह रहे हैं कि सारे मोदी चोर हैं, तो क्या मोदी टाइटल रखना गुनाह है क्या? और मोदी सरनेम वैसे समाज के लोग, व्यापार करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में और अपना टाइटल मोदी रखते हैं। तो राहुल गांधी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने केवल देश के चौकीदारों को चोर नहीं कहा, बल्कि मोदी टाइटल रखने वाले इस देश के अंदर करोड़ों लोग जो हैं उनको भी उन्होंने चोर कहा है। और इससे मोदी टाइटल रखने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस लगा है, और इसलिए मैं कल या परसों पटना के कोर्ट के अंदर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा।